हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में कितने नंबर यूज़ हुए हैं, कितने कैरेक्टर यूज़ हुए, ये सब दिखाने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करते हैं जिसको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स तीन टाइप की होती है, जिसमें है प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, और उसे इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर पांच तरह की डेटा टाइप्स है, जिसमें है इंटीजर, उसे हम int से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर को हम कैर से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट का दुगना, उसे हम डबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉइड को भी हम वॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर हम सिर्फ रियल नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी हम लाइफ में यूज़ करते हैं 4 to 5 या फिर हम 555, हम फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि हम पॉइंट वाला नंबर यूज़ नहीं करते, जैसे कि हम 5.5 ऐसा नंबर हम इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी डेटा टाइप्स है कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स के अंदर हम बेसिकली कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, ये एक स्ट्रिंग स्टोर करती है कैरेक्टर्स की, उसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे रियल नंबर जो कि हम हमारी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि 155.55 या फिर 2.05, ऐसे सब नंबर हम फ्लोटिंग पॉइंट के ज़रिए दिखा सकते हैं। और अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट से भी डबल डेटा टाइप्स चाहिए, यानी कि हम फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपकी जो डेटा है वो उसके अंदर नहीं फिट हो रही है और आपको उससे डबल चाहिए, तो आप डबल डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइड डेटा टाइप की मदद से हम फंक्शन को रिटर्न की जो टाइप है वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन की रिटर्न करेगा वैल्यू या फिर नहीं करेगा। अब फ्लो डेटा टाइप्स के अंदर कितनी उसकी रेंज है ये भी यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज -128 to +127 है, यानी कि हम उसके अंदर 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स की भी जो रेंज है वो -32768 to +32767 है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप है उसकी जो रेंज है वो 3.4e -38 to 3.4 -+38, और डबल की जो वे जो रेंज है वो है 1.7e -308 to 1.7e+308। उसके भी कुछ यहाँ पर आप अलग रूप देख सकते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कैरेक्टर और सैम कैरेक्टर, इसकी जो यहाँ पर एक आपको एक अलग कॉलम दिखेगा साइज़ का, यानी कि वो प्रोग्राम जब भी रन होता है या फिर प्रोग्राम के अंदर वो कितना बिट्स यूज़ करेगा। आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है सैम कैरेक्टर वो 8 बिट यूज़ करता है, अनसैंड कैरेक्टर भी 8 बिट यूज़ करता है, ये दोनों सेम डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा int और signed int 16 बिट यूज़ करता है, short int और signed short int 8 बिट यूज़ करता है। उसकी भी रेंज -128 to +127 यानी कि 255 कैरेक्टर ही हम unsigned और signed short integer के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा long और unsigned long integer के अंदर हम 32 बिट्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हम 32 बिट यूज़ करेंगे, डबल प्रिसीजन के अंदर हम 64 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग डबल के अंदर वो 80 बिट्स यूज़ करता है। इसके लिए हो सके तो हम छोटी से छोटी डेटा टाइप्स को यूज़ करें, क्योंकि अगर जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये सारी हम जितने भी वेरिएबल हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो ये उतने बिट्स इतनी मेमोरी हमारे प्रोग्राम के अंदर अलोकेट करेगा। हम जिस तरह से कम वेरिएबल यूज़ करेंगे उसी तरह से ये हमारे प्रोग्राम को कम मेमोरी यूज़ करेगा और हमारा प्रोग्राम जल्दी से एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स के अंदर है जो है पॉइंटर्स टाइप, एरे टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन टाइप और फंक्शन टाइप डेटा टाइप्स, वो डिराइव डेटा टाइप्स के अंदर यूज़ होती है, जो कि हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तीसरी डेटा टाइप से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि यूज़र के द्वारा डिफाइन की हुई डेटा टाइप्स, उसे हम टाइप डेफ
से डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर हमारी डाटा टाइप्स डिक्लेयर करते हैं, यानी कि टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप डेफ और INTA, यानी कि टाइप डेफ जो है हमने टाइप डेफ डिक्लेयर किया, उसके बाद डाटा टाइप्स डिक्लेयर की, और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम जो आइडेंटिफायर से स्पेसिफाई होता है वो डिक्लेयर किया। उसके अलावा एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स भी हमने डिक्लेयर की, टाइप डेफ फ्लोट नम वन। उसके अलावा हमने इनम से भी एक डेटा टाइप्स डिक्लेयर की। बेसिकली इनम भी एक दूसरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जिसकी मदद से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनम डे, इसके अंदर हम मैंने सारे डेज लिखे हुए यहाँ पर, इसको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आइए इसी पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हमने तीन डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर ली, INTA इक्वल टू 10, फ्लोट पर इक्वल टू 199.25 और कैरेक्टर माय नेम, इसके अंदर हमने 50 कैरेक्टर इंसर्ट किए हैं, और यहाँ पर हमने उसे मेरा नाम माय नेम इज मोहसिन शेख वैल्यू दे दी है। अब हम उसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए, प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंटेज एफ और पर डेटा टाइप्स का नाम, इसके बाद प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंटेज एस, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम परसेंटेज एस का यूज करते हैं, उसके बाद माय नेम, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं। अब हम उसे रन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से वैल्यू डिफाइन की है वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आप देख सकते हैं कि 0.25 के बाद चार और एक्स्ट्रा जीरो दिखाई दे रहे हैं। उसे अगर मुझे हटाना है तो सिर्फ यहाँ पर मैं परसेंटेज के बाद 0.2 करूँगा और सेव करके उसे कंपाइल करूँगा और फिर रन कर दूंगा। तो देख सकते हैं कि जितने मैंने लिखा हुआ है सिर्फ उतने ही पॉइंट्स के बाद वैल्यू आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर 0.1 कर देता हूँ कंपाइल और रन, तो देख सकते हैं कि एक ही वैल्यू आ रही है 199.3, क्योंकि 199.25 को वो राउंड फिगर करके 3 पर ला देता है। यहाँ पर 2 दूंगा, फिर से कंपाइल और रन कर दूंगा, ये पूरे प्रोजेक्ट कंपाइल कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा कंपाइल होकर हमारे जो भी हम पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू देते हैं वो उतने पॉइंट्स डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेटा टाइप्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप डेटा टाइप्स के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।